हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डी सीखने को जा रहे हैं। पहले हमको देखिएगा डी कैसे लिखना है। डी हमने स्टार्टिंग हमेशा ऊपर से, मतलब हमारा रेड लाइन से स्टार्ट करेगा। पहले हमको पता, इधर मैंने रेड लाइन इधर लगाएगा, दिस वन इज द रेड लाइन, आफ्टर विच वन ब्लू लाइन विल कम, देन अगेन ब्लू लाइन, एंड आफ्टर दैट रेड लाइन। सो फर्स्ट रेड लाइन वी विल स्टार्ट द डी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टैंडिंग लाइन, देन वी राइट दिस वे। सो इट इज डी। वंस अगेन स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व। ओके, सो अभी हमने सी से कहा कैसे लिखना है। ऊपर का रेड लाइन से बेस लाइन ब्लू तक आ जाएगा, वैसा स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद हमने क्या करना है, कर्व लाइन लगाएगा तो डी बन जाता है। सो अभी हमने स्मॉल लेटर डी कैसे लगाना पड़ता है। स्मॉल लेटर डी के लिए बेस लाइन से आप लोग स्टार्ट करना। ओके, बेस लाइन से। ओके, उसके बाद हम लोगों ने किधर जाएगा, रेड लाइन अगेन। ओके, उसके बाद D, once again, बेस लाइन में कर्व लाइन लगाएगा, उससे सीधा ऊपर जाना है, फिर ऐसा नीचे आएगा। इसको हमने क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। once again, ओके, एक स्मॉल लेटर C ऐसे लगाओ, इसे ऊपर सीधा जाओ, then नीचे आना। इसको हमने क्या बोलते हैं, D। Very good. Question number 28, we can see D is here. So already what you do? So trace using crayon. आप लोग मम्मी से crayon लाना है। Crayon लाकर मस्त क्या करना है, ये color ये trace करना है। उसके बाद small letter D भी है, आप लोग इधर से क्या करना पड़ेगा, start करना है, फिर ऐसा ही कर D आपको करने को सकता है। उसके बाद आप circle करना है, कितना कैपिटल लेटर डी इधर है, कितना स्मॉल लेटर डी है। सो डैनी एंड डेसी वर डांसिंग, द डोरबेल रैंग, द चिल्ड्रन हाइड अंडर द बेड, बट इट वाज जस्ट डैडी एट द डोर। वाओ, सो हाउ मेनी कैपिटल लेटर इज हियर, 1 2 3, सो राइट 3 हियर एंड स्मॉल लेटर डी, काउंट द स्मॉल लेटर डी एंड आफ्टर दैट राइट हाउ मेनी स्मॉल लेटर डी इज हियर, जस्ट राइट द काउंट हियर। After that, you have some homework is here. Write capital letter D, small letter D, capital letter D and small letter D. And my name is begin with the letter D. मेरा नाम D से start कर रहा है। So आप लोग ये page number देखना है। Page number कौन सा आपको दिखने को सकता है? Page number 27. So आप लोग आपका book का पीछे जाना है। पीछे जाएगा तो sticker का ये pic मिल जाएगा। Look page number 27. So though you can see two picture is here, one is good ball and the second one is, yes, that. So which picture is begin with a D? Ball begin with the B and that begin with a D. Very good. So हम इधर कौन सा question क्या है, D से start करने वाला। D से start करने वाला कौन सा होता है, that. So you just peel this sticker from here to and paste here. Okay, and after that we go to the next page. Here already we have get a new words here, dustbin. What is this? Good, dress. And this one is duck nut, and iske baad, yes, dust, and then deer, and then den. So you just trace this all D and सर्कल द एक्टिविटी दैट यू कैन डू ऑन योर होम। तो घर पे क्या क्या चीज करते हैं उसको सर्कल मारना। आप लोग ड्राइव करते हैं क्या? नहीं, हम छोटा है इसलिए ड्राइविंग नहीं करते हैं। ड्रॉइंग करते हैं ना हमने, यस, ड्रॉइंग करेगा तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, सर्कल मारना। टिक मतलब खोदना। आप लोग खोदते हैं क्या कुछ? हाँ है, तो सर्कल मारना है, नहीं तो मत करो। ड्रिंक पानी पीता ना हमने घर पे, यस, इसे तो आप लोगों ने सर्कल मारना है। फिर अल्फाबेट टावर है ऑलरेडी, ए बी सी,
देन नेक्स्ट कौन सा आएगा, गुड डी। सो बुक एकदम पीछे जाएगा तो डी लेटर आपको मिल जाएगा, वो डी आप लोग इधर से निकाल कर एक कवर का इधर डी लगाना पड़ता है। सो लेकिन आप पेरेंट्स से याद करना, बच्चे लोग को 3 वर्ड बाहर करना पड़ता है। नंबर 1 देन, ओके, उसके बाद डी, एंड नेक्स्ट 1 ड्रेस। सो यू जस्ट बाय हार्ट दिस 3 वर्ड्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।